हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं गाजर का बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से धुल करके उसे ग्रेट कर लिया है। जिस तरह से मैंने ग्रेट किया उसी तरह से आप भी कर लीजिए। और इधर आप देख सकते हैं, रवा मैंने लिया है आधी कटोरी के लगभग। इसे आप सूखा ही रोस्ट कर ले। इधर पैन गर्म है, इसमें आप डाल करके रिफाइन या घी ना डालें, ऐसे ही रोस्ट करें। इसे धीमी फ्लेम रखें। अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद उसी पैन में आप 2 से 3 चम्मच के लगभग मैं घी डाल करके उसे अच्छे से रोस्ट, देख सकते हैं इधर ब्राउन बिल्कुल ना करें रवा को, उसे हल्का वाइट में ही रहने दें। क्योंकि मुझे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रवा भून लिया है अच्छे से। इस तरह से आप भी भूनें। और इधर आप घी 3 से 4 चम्मच के लगभग डाल दें पैन में और उसे गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इसमें आप गाजर ग्रेट किया हुआ डालें उसमें अच्छे से। देखिए किस तरह से घी ठंडियों में अक्सर जम जाते हैं, उसे पघला लें अच्छे से। तब जा कर के आप इसमें डालें गाजर और उसे अच्छे से भूनें। 2 मिनट के लिए आप इसे भूनेंगे तो इसमें अपने आप ही घी छूटने लगेगा। तो आप इसमें डालें आप चीनी। इसी कटोरी से मैं मेजरमेंट के लिए लूँगी, इसी में आप 1 कटोरी के लगभग चीनी ऐड करें। पहले अच्छे से इसे भूनने दें। आप देख सकते हैं इसी समय आप इलायची मैंने कूट लिए थे, इसे आप डाल दें। इसे भी अच्छे से भून जाएगा तो स्वाद और भी टेस्ट इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से आप भी भूने। आप देख सकते हैं घी छूट चुका है, इसमें आप चीनी डाल दें 1 कटोरी के लगभग। अगर मीठा अधिक खाते हों तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, या इतना पूरी तरह से अच्छा है इसकी मिठास के लिए, क्योंकि गाजर में मिठापा होता भी है। इसलिए आप लोग आवश्यकता अनुसार ही डालें। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से चीनी गल चुके हैं, अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। इसमें आप रवा डाल करके उसे अच्छे से मिला। इधर मैंने दूध लिया, इसे हल्का सा गर्म हो रहने दें, ज़्यादा गर्म ना डालें नहीं तो फट जाएगा। और डाल करके इसे अच्छे से इसमें आप मिलाएं, पूरे दूध को डाल दें और अच्छे से मिलाएं। लगभग आधे से 1.5 कप के लगभग दूध मुझे लग गया है इसमें। इसे अच्छे से आप 5 मिनट के लिए ढक करके पकाएं। और इसे इस तरह से आपको ढकने के बाद में इसे बीच बीच में आप इसे चला चला करके देखते रहे, जिससे ये फ्लेम को एकदम धीमा ही रखे। देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। आप चाहें तो इसमें कलर थोड़ा सा डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर, या स्किप भी कर सकते हैं। कलर डाल देने पे इसकी खूबसूरती और 4 गुना बढ़ जाती है। यहाँ मैंने दूध के ऊपर का जो मलाई होता है उसे मैंने यहाँ पे लिया। आप चाहे इसकी जगह आप मिल्क पाउडर हो आपके पास तो वो डाल दीजिए। ये भी अभी आसानी से मिल जाता है हर घर में। आप कुछ भी, आपको बाहर का इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेगा। आप घर के ही कुछ ही सामानों से इतने टेस्टी और यम्मी बर्फी बनाएंगे कि वो लोग पूछेंगे क्या चीज़ की बर्फी है। इधर मैंने एक दूसरे बर्तन को अच्छे से उसे ग्रीस कर ले घी से डाल करके, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है अब मिठाई बनने के लिए। इस तरह से इसे डाल करके थाली में इसे अच्छे से बराबर करें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। और आप इसे काजू किशमिश से अच्छे से डेकोरेट करें। पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो यूज कीजिए और इसे डेकोरेट कीजिए। थोड़े से ठंडे होने पर इसे नाइफ़ की सहायता से आप इसे आकार दे सकते हैं बर्फ़ी का। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखेंगे तो सेकेंडों में ये ठंडी हो जाएगी और अच्छे से बन भी जाएगी। आप बिना फ्रिज के भी इसे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, कुछ ही समय में ये बन करके तैयार हो जाएगी। उम्मीद है इस साल आप लोग इस तरह का बनाएंगे मिठाई और अपने परिवार मेहमानों को खुश करेंगे। आप चाहें तो इसे गिफ्ट में भी दे सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे कटिंग करके भी आप लोगों को दिखाया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जितना प्यारा है देखने में लग रहा है उतना खाने में ही भी बहुत ही टेस्टी होगा। आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। कैसा लगा वीडियो? थैंक